ये हमारी जो मेडिसिन है ये 1 महीने में 3 से 4 किलो हर महीने में लाजमी वजन कम करती है। फास्ट फूड पे दुनिया में 8वें नंबर पे है। अच्छा, फास्ट फूड पूरी दुनिया में हम 8वें नंबर पे जो खा रहे हैं। मेरे पास जो लोग आ रहे थे उनका सबसे बड़ा मसला जो था कि मोटापा, बढ़ा हुआ पेट, जिस्मानी फालतू चर्बी और हाई कोलेस्ट्रॉल। और जब मार्केट में देखें कि पहले पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं था कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अब शऊर आ गया है, लोग जाते हैं टेस्ट कराते हैं। आम बंदे का कोलेस्ट्रॉल 200 होना चाहिए, तो वो आम बंदे का पाकिस्तान में 400 है, 300 है। हकीम बाबर साहब को आप अक्सर हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर देखते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें हिकमत जैसी सलाहियत से माला माल किया है। और आज जो है वो मैं गुजर रहा था इनके दुआ खाने के सामने से, तो मैंने हकीम साहब से सोचा कि मुलाकात करता जाऊँ। और हकीम साहब की आजकल एक दुआ जो है वो बड़ी मार्केट के अंदर फेमस हुई भी है और बहुत सारे लोग जो है वो उसका चर्चा कर रहे हैं, और वो मोटापा कम करने की दवाई है। मेरे जहन में ख्याल आया कि ये जाके हकीम साहब से मिलना चाहिए और इसके बारे में पूछना चाहिए। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपने कौन सी ऐसी दवाई इजाद कर दी है जिससे लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं और उन्हें बड़ा फर्क पड़ रहा है, उसके बारे में जरा बताएं हमारे व्यूवर्स को भी, अगर उनको भी इससे फायदा होगा। शुक्रिया शुक्रिया सर जी। सर जी, मेरे पास जो लोग आ रहे थे उनका सबसे बड़ा मसला जो था कि मोटापा, बढ़ा हुआ पेट, जिस्मानी फालतू चर्बी और हाई कोलेस्ट्रॉल। और जब मार्केट में देखें कि पहले पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं था कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अब शऊर आ गया है, लोग जाते हैं टेस्ट कराते हैं। आम बंदे का कोलेस्ट्रॉल 200 होना चाहिए, तो वो आम बंदे का पाकिस्तान में 400 है, 300 है, पता ही नहीं है। उसकी वजह देखिए, हम चीनी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम फास्ट फूड पे दुनिया में 8वें नंबर पे हैं। अच्छा, फास्ट फूड पूरी दुनिया में हम 8वें नंबर पे जो खा रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप देखें, आप कलाला स्क्रीन 3 में देख लें कि फास्ट फूड के 5 पिज्जे शॉप है। वैसे कहते हैं महंगाई हुई है, लोगों ने कम कर दिया खाना, शायद ऐसा हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताता चाहूँ, उज़्बेकिस्तान गया 2018 में कासिम अली शाह साहब के साथ, तो उज़्बेकिस्तान में 2018 तक मैकडोनल्ड नहीं था। अच्छा, हमने पूरे 8 दिन उधर देखा, मैकडोनल्ड और KFC नहीं आया, उनके मकामी बर्गर। अच्छा, वैसे मैंने नोटिस किया है कि उसी दौरान शायद मेरा भी विजिट हुआ था और मुझे नजर नहीं आया। सही कह रहे हैं, नहीं है, सही कह रहे हैं। तो इससे हम पाकिस्तान में लोग, चूंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बीमारी है कि बंदे के पास जो पैसा आता है ना, वो छोटा बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त को तरजीह देता है, और यहाँ वो फास्ट फूड खाता है क्योंकि उसके अंदर 2, 4, 10, 20 साल की भूख होती है, तो वैसा सबसे पहले वो खाने पर लगाता है, उसके बाद सेकंड जाता है कपड़े खरीदने। अच्छा, पहले कपड़े नहीं खरीदता, यानी कि फर्ज करे कि पाकिस्तान में जिस बंदे का पैसा आया है, रात को कड़ाई गोश्त खाएगा, उसके बाद वो पेप्सी या डीओ पीता है, तो उसका जो जो उसमें जो चर्बी है, सारी फैट है, वो उसके अंदर जमा हो रही है, उसकी सेहत खराब हो रही है। तो मैंने भी देखा कि पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा जो मेडिसिन की सेल हुई हमारी, तो वो मोटापा कम करने वाली और हाई कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ये सेल बढ़ी है इस मेडिसिन की। देखिए कि ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल कोर्स है, ये 1 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर 400 है तो 300 पे ले आता है। अगर आपके 4 साल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो 3-4 महीने इस्तेमाल करें। मेरा जाती कोलेस्ट्रॉल 144 पे है और ट्राइग्लिसराइड 146 पे है। तो ये है मोटापा और बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए। अब पाकिस्तान में अभी आप देख रहे थे पेशेंट आए थे, तो 9.2 पे यूरिक एसिड, वजन 95 किलो, वजह डेली चावल, बिरयानी और 7 कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये देखिए, आपने भी मेरे साथ 2 मुल्क पिए, आप मेरे साथ मिस्र गए थे, कोल्ड ड्रिंक हमने 7 दिन में कितनी पी थी? शायद याद नहीं है, मुझे नहीं पी। हमें हर दफा कावा दिया जाता, याद आया? हाँ जी बिल्कुल। हम शर्म अल शेख में थे, कावा था, और उधर थे कैरो में भी कावा था, रात को ड्रिंक नहीं आती थी, कावा आता था। जो देखो वो सदियों से लोग कावा पी रहे हैं या गर्म पानी पी रहे हैं, जब मैं चाइना गया गर्म। अब पाकिस्तान में चूंकि आपने फास्ट फूड खाया है तो कावा तो बनते नहीं है, तो आपने ड्रिंक पीनी है, तो इधर घर में चावलों के साथ, बिरयानी के साथ भी। तो ये जो आप मेडिसिन कह रहे हैं, ये अगर 7 बंदा ये खुराक भी खाता रहे और फिर साथ आपकी मेडिसिन भी खाता रहे। सर देखिए, नफी और जमा लहदे लहदे रहते हैं ना, इकट्ठे नहीं हो सकते। आप ऐसा हो नहीं सकता कि देखिए, हमें जिंदा रहने के लिए हमें 200 ग्राम खुराक चाहिए, हम रोज की 400 ग्राम खाएंगे तो कैसे मोटापा कम होगा? अगर आपकी पहले ही कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, मेरा जाती 80 kg वजन, ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि हम खा के रोज की 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम गोलियां खाएंगे, सेहत 1000 नेमत है,
अब खाना कम करें। तो ये मेडिसिन कितना वजन कम करती है किम सब, एक महीने में? ये तो ये जो मोटापा कम करने वाली मेडिसिन है, इसमें हमने चूंकि सोए डाले हैं, तो ये खवातीन के लिए बहुत अच्छी है, जो खवातीन का मोटापा भी कम कर। देखिए 3 से 4 किलो से ज्यादा वजन महीने में मेडिसिन से कम नहीं कर, ज्यादा नहीं कम करना। अच्छा, कम करने ही नहीं चाहिए? उसे गुर्दे पे असर पड़ता है ना, उसके जिगर पे असर पड़ेगा ना। और लेकिन उसने इतनी खा खा के अपनी दूध और मोटापा बढ़ा लिया, अब वो 6-6 गोलियां रोज खाएगा तो उसकी जो मैदा वो कबूल नहीं करेगा, उसकी बॉडी नहीं लेगी ना। तो ये हमारी जो मेडिसिन है, ये 1 महीने में 3 से 4 किलो हर महीने में लाजमी वजन कम करती है। और ये कितने अरसे तक खाती रहना चाहिए? मतलब है कि ये देखे कि सप्लीमेंट की तरह 2 गोली सुबह 2 शाम पानी से खा ले, तो देखिए आपका अगर आपने 15 किलो वजन कम करना है तो हमारी वीडियो देख के अगर किसी में, मेरे पास 22 मौजूद है कि किमसा मेरा 19 किलो वजन कम हो गया, अगर कहते हैं मसला सकता हूँ। अच्छा, तो 19 किलो वजन नहीं, हमें आपकी हिकमत पे पूरा यकीन है। उसने वजन गुजरांवाला के सिटी हुसैन सोसाइटी में बंदा है, तो उसने 4 महीने में 19 किलो कम किया। पाकिस्तान में ये भी लोग जज्बाती होते हैं कि मोटापा तो बढ़ा लिया है, अब हमें आकर कहते हैं सर 15 दिन बाद शादी है 10 किलो काटिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता, उसके जिगर को साइड इफेक्ट मेडिसिन कर सकती है, क्योंकि वो 2 की बजाय 6 गोलियां नहीं खा सकती। अच्छा, अगर आप ये कोई मेडिसिन जो है वो मंगवाना चाहे तो फिर क्या? देखिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो नो दवाखाना चकलाला स्क्रीन 3 रावलपिंडी बंदा आ जाएगा। पाकिस्तान से बाहर आप मेरा नंबर उस स्क्रीन पे दे दे, वो हमें कॉल करें। अच्छा, तो TCS घर आ जाएगी। मतलब आप किस नंबर पे जब कोई रابطہ करेगा? हाँ, पूरे पाकिस्तान में TCS आ जाएगी। ये नीचे आप नंबर देख रहे हैं, ये किम साहब का नंबर है, और आप भी अगर मोटापे का शिकार हैं और आपको लगता है कि मोटापा कम करना चाहिए तो जरूर आप इसको ट्राई करें। और मैं आपको ये बता दूं सर, जो कोलेस्ट्रॉल कोरस है, अगर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वजन भी बढ़ा हुआ है तो वो कोलेस्ट्रॉल कोरस इस्तेमाल करेंगे, 2 टैबलेट सुबह 2 शाम पानी से। अच्छा, कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा होता, वैसे ही उनको मोटा होता है, वजन ज्यादा होता है, तो वो ये स्लिम स्मार्टल कोरस इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियां पानी से खाएं, मोटापा कम करेगी। इसकी कीमत 3,400 रुपये है, इसकी कीमत 2,500 रुपये है, मंगवाने का TCS का टोटल 200 रुपये चार्जेस है। जबरदस्ती, आपने सुना जी कि मोटापे का हल मौजूद है, वजन कम करना चाहिए। मैं कहता हूँ वजन घटाएं, खूबसूरत नजर, खूबसूरत नजर आए। हकीम साहब ने मोटापा लोगों की जान का दुश्मन है, और आप जरूर इसको ट्राई करें जी। इंशाल्लाह हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, और फिर मुलाकात होगी तो दोबारा किसी और रेमेडी के साथ आपको किम साहब के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया सर।